दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आशुतोष डे म्यूजिक में। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बांसुरी की कुछ खास चीज़ें, कुछ खास बातें। बांसुरी जब हम बजाते हैं तो जो हम बजाना चाहते वो नहीं बजता है, क्या कारण हो सकता है? आप सब बजाना तो चाहते हैं पर बजता नहीं है, इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न है इसलिए नहीं बजता। तो ये जानने के लिए वीडियो की पूरी लास्ट तक बने रहें। बस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए हमें आपकी, ये 5 मिनट में मैं सारा का सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिए और भाई के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब आप बांसुरी बजाते हैं, कुछ बजाने को सोचते हैं, बजता नहीं है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है जो कि आपने तैयार नहीं किया है। अगर यदि जिस दिन आप तैयार कर लेंगे, जिस दिन तैयार हो जाएगा, उस दिन 101% है जो कि जो आपके दिमाग में चलेगा वो बांसुरी के ऊपर बजेगा। अब रही बात जो कि बांसुरी बजाने की, तो जब अलंकार पलटा इसकी अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं। देखिए, बजाने में, मैं बार बार कहता हूँ, बजाने में और तैयार करने में बहुत बड़ी फर्क है। तो आपको तैयार करना है, बजाना नहीं है। बजाना तो है ही, तभी तैयार होगा। तो लेकिन हम क्या करते, एक बार सारे गामा पाधनी सा बजा लेते, कहते जी सारे गामा तो मैंने बजा लिया, फिर मेरे से गाना क्यों नहीं बजता है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को आप लोग ख़त्म करें, इसको हटाएं। आप जब सारे गामा पाधनी सा को एक दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा जब कर लेते हैं, तब जा कर के उसमें कुछ आपको देखने को मिल जाता है जो कि इसकी तैयारी हो रही है। दोस्तों यकीन मानिए आप हमारी बात की, मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल सही है और सटीक है। आप विश्वास करें, बांसुरी के ऊपर मैं एक छोटा सा अपने तरफ से एक चीज़ ले गया हूँ। चीज़ का नाम है फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल बोल सकते हैं हम, मैंने इनका नाम निर्धारित किया है फ्री स्टाइल। और ये फ्री स्टाइल आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे जब आप बांसुरी बजाते हैं, सारे गामा करके आप बोर हो जाते हैं, आप कहते हैं जो कि थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नहीं करते हैं, फिर आप बांसुरी लीजिए और सारे गामा पाधनिसा हो या कि और कोई अलंकार हो, कि पलटा हो, जैसे भी हो, आप इसमें फूंक लगाइए और फिंगर को चलाइए। कुछ मत सोचिए जो कि क्या बज रहा है, ये क्या बजाना है। ये उनके लिए है जो कि सारे गामा ये सब बजा लेते हैं, जिनकी फिंगर चलता है उनके लिए। अब जिसकी ब्लो भी सही नहीं है, फिंगरिंग भी सही नहीं हुआ, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। हम उनके लिए बता रहे हैं जो सारे गामा पाधनिसा कर लिए हैं। इस तरह से फ्री स्टाइल, यानी कि कुछ भी बजाए आप, जोर से तान मारें, इस तरह से, यानी कि फूंक लगाइए, जो भी कुछ बजता है। अभी सुर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, हम क्या बजा रहे हैं, क्या बजेगा। जब तक आपकी ये ब्लो सध नहीं जाता, आपकी फिंगरिंग इसके ऊपर काम करना नहीं, अच्छे से काम करता, तब तक कुछ भी गाना निकालना थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। थोड़ा सा ही नहीं, फिर नहीं होगा, सत्य यही है, फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्री स्टाइल यानी कि रिलैक्स होके बैठिए और जो मर्जी इसमें जो है मेंट में, गमक में, खटका में, जो भी होता है आप कीजिए इसको। और मतलब कहने का मतलब है जो कि गाना वाना बजाना सब कुछ छोड़ दीजिए आप, कोई अलंकार, कोई थाट, कोई राग नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पकड़िए बांसुरी को और लग जाइए, कुछ भी बजाइए ना, लेकिन बजाइए एकदम उसमें जो कि भाई साहब, अगर यदि किसी के सामने हम बजाते हैं तभी जा करके सोच समझ के बजाते हैं। अगर अकेले में रियाज प्रैक्टिस कर रहे तो उल्टे टेढ़े खोड़े जैसे मर्जी वैसे बजाइए ना। 1 महीना आप करके देखे ये चीज़, आपको बहुत सारा फायदा होगा। फायदा कम ही नहीं, बहुत सारा होगा। इसलिए होगा, तभी जाकर के आपकी फूक सही होगा, आपकी फिंगरिंग सही होगा, सुर की समझ बढ़ेगा। आप लोग करते क्या हो, डर डर के करते हो, ऐसे डरते रहते हो, फिर नोटेशन देखा, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा बिल्कुल एकदम मशीन की तरह, एक्सपीड मक्खन की तरह इस पर फिंगरिंग चलनी चाहिए और वो चलेगा।
रियाज अभ्यास से सब कुछ दुनिया में संभव है, कोई काम बड़ा नहीं है, सब छोटा है। बांसुरी बजाना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई इतना बड़ा नहीं है, पर रियाज करेंगे तब नहीं तो पहाड़ के जैसा है। ठीक है जी, फिर ये स्टाइल बिल्कुल ऐसे, समझ गए आप फ्री स्टाइल, यानी कि जैसे मर्जी वैसे बजाए, बिल्कुल खुल करके फ्री हो करके, कहीं इसमें जो है थोड़ा सा भी अपने तरफ से ना निकाले, जो नोटेशन कितना है, ये सा बजा, ये रे हुआ, डर डर के नहीं, बिल्कुल खुल करके और जैसे मर्जी होता वैसे बजाइए आप, बहुत जल्दी होगा। ठीक है जी, दूसरी नंबर बात, जब आप स्वीटनेस की बात करते हैं तो स्वीट, बहुत सारे लोग तो सिंगर लोग को कहते हैं जो कि मिठाई खाएंगे, ये खाएंगे, गुड़ खाएंगे, तो आपकी आवाज़ जो है मीठा हो जाएगा, स्वीटनेस आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो यहाँ पे लगाना है वोकल कॉर्ड, ये यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ये उसी तरह से काम करता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं होता, इम्पोर्टेंट दिल होता है। देखिए, बजाने से ज़्यादा मने रखता है बजाने वाले ऊपर। अगर यदि बजाने वाला मान के चलिए उनकी मन में कुछ और चल रहा है, जो कि भाई कैसे करना है, ये वो नौ सत्रह, तो फिर बांसुरी जो है वो अच्छा नहीं बजेगा। बांसुरी बजाने के लिए जिस टाइम आप बजा रहे हैं, आपके दिल मन में जैसा सोच आएगा, जिस तरह से सोच आएगा, उसी तरह से बांसुरी बजेगा। अगर यदि आपके मन में कोरोना की भाव चल रहा है, आपके अंदर संगीत की धारा चल रही है, तो गारंटी है बांसुरी के ऊपर जो है वो चीज़ आएगा ही आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो बिना सुर ले ताल का दुनिया में कोई इंसान नहीं है, हर के अंदर में है, सबके अंदर में, बस फर्क यही है किसी के थोड़ा ज़्यादा है किसी के अंदर, किसी के अंदर थोड़ा कम है, लेकिन सबके अंदर है, तो सुर ले ताल तो है ही। तो इसीलिए आपके अंदर में जिस तरह की भावना होगी जागृत, जिस तरह से आप सोचेंगे उसी तरह से ये बजेगा, सीधा फंडा है। अगर यदि आपके दिल में सोच रहे हैं आप कुछ और बजा रहे हैं इधर कुछ, तो नहीं होगा, फिर स्वीटनेस वगैरह भूल जाइए, स्वीटनेस तभी आएगा। और स्वीटनेस लाने के लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी सोच, दिल दिमाग एक होनी चाहिए, और आप जो अंदर में आपकी जो चलेगा, जिस तरह से आप सोचेंगे वही चीज़ इसके ऊपर आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपकी टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता, इतना ही रहा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में और एक अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। और रियाज कीजिए, बिना रियाज का जो